टक्कर ले, कहां किसी की इतनी औकात। तेरा बाप ऐसे दोस्त है मेरे, पबजी खेलने के लिए रात भर जागते हैं, वैसे नोवो और जॉर्जो पुल कूदते हैं, लेकिन फ्लेयर मिलने पे बोलते हैं भाई फ्लेयर मिल गई चलो भागते हैं। फ्री फायर मत कर, चलती हवा को रोक देते हैं, और बेटा हमारे मुंह मतलब पबजी वाले हैं, बिना स्कोप लगाए ठोक देते हैं। तेरा बाप बोलने से कुछ नहीं होता, अगर किसी को उसकी औकात दिखानी है तो पहले अपनी औकात बनाओ। कि कुछ इस तरह हम पबजी के दीवाने हो गए, कि कुछ इस तरह हम पबजी के दीवाने हो गए कि अब हमें म्यूजिक बीट में भी गोलियों की आवाज आती है। तेरे छोड़ जाने के बाद अपने अकेलेपन को कुछ इस तरह से झेल लेता हूँ मैं, कि तेरे छोड़ जाने के बाद अपने अकेलेपन को कुछ इस तरह से झेल लेता हूँ मैं, अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फ्री फायर खेल लेता हूँ मैं। तू जाकर भी जीत ना पाएगा, खाएगा तो पटके भागेगा। तुम क्या जानो कि ये पबजी हमारे कितने काम आती है, तुम क्या जानो कि ये पबजी हमारे कितने काम आती है, जब हमारा दिल नहीं लगता तो यही दिल लगाती है। क्या हुआ था देवसेना? कोचिंग की मैं ड्रॉप गिरा था, मैं आपके लिए ड्रॉप रूपने जा रही थी, मैंने देखा इसने AWM उठा ली। ना इलाज है ना दवाई है, ना इलाज है ना दवाई है, फ्री फायर तूने लोगों को अपनी ऐसी लत लगाई है। हम कुछ दिन के लिए खामोश क्या हुए, लोगों के मुंह चलने लगे। सुनो, मुंह उतना ही चलाया करो जितना सुन सको। हमसे मिलने आओ तो अपने कलेजे की आग को ठंडा करके आना, वरना हम तो 100 नंबर की गाड़ी में बैठ कर जाएंगे, लेकिन तुम 108 में लेट कर जाओगे। इस माना होगा पबजी की दुनिया खूबसूरत, माना होगा पबजी की दुनिया खूबसूरत, पर फ्री फायर की दुनिया भी कम नहीं। और सुनो सुनो, इतना अकड़ मत दिखाओ, क्योंकि हम फ्री फायर वाले भी किसी से कम नहीं। वो तो तुम्हारे नकली दोस्त हैं, जो तुझे ओम मांगने पर ओम दे देते हैं, असली तो वो हैं जो एक स्कोप मांगने पर भी हजारों गालियां देते हैं। भैया एक्सपायरी हो जाए। न जाने कितने लोग हमारी अदाओं पे मरते हैं, न जाने कितने लोग हमारी अदाओं पे मरते हैं। लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक ही नहीं करते हैं। तुम में और हम में बहुत फर्क है जनाब, तुम लड़कियों पे मरते हो और हम M416 पे मरते हैं। एक सिंगर से अच्छा तो एक शायर है, ये एक सिंगर से अच्छा तो एक शायर है, और एक दिल तोड़ने वाली लड़की से अच्छा तो फ्री फायर है। क्या प्रीति, इतनी छोटी सी बात पे कोई रोता है क्या? एक बोर्ड से ही तो नौकरी हो, जाओ जाके मेडिकेट लगा लो, गो, और एक पेन किलर भी ले लेना, गो। हेलो शिवा, प्रीति को किसी ने नॉक किया है, पता लगा वो कौन था। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि AKM एक घातक हथियार है, लेकिन हम थोड़े अलग हैं, हमें AKM के डैमेज से ज्यादा M4 की रिकॉइल से प्यार है। What's wrong with him? प्यार समझाओ तो समझ में नहीं आता उसको। He's dumb or what? कबीर is pro player. तो ऐसा बोल इस प्रॉब्लम कंदी बेटा, पाप नहीं बन जाता, पबजी फ्री फायर वालों का बाप है ये दुनिया जानती है, मगर बेटों को समझ नहीं आता। बुरा ही कर सकते हो बेटा, बराबरी तो तुम्हारे बाप दादा भी नहीं कर सकते। कि फ्री फायर मत कर, चलती हवा को रोक देते हैं, और बेटा हमारे मुंह मतलब पबजी वाले हैं, बिना स्कोप लगाए ठोक देते हैं। तेरा बाप बोलने से कुछ नहीं होता, अगर किसी को उसकी औकात दिखानी है तो पहले अप...
अपनी औकात बनाओ। जो बताते हैं खुद को प्रो प्लेयर वो असल में कायर हैं, कि जो बताते हैं खुद को प्रो प्लेयर वो असल में कायर हैं। और नूबड़ो हम लोग से पंगा मत लेना, क्योंकि तुम्हारा बाप फ्री फायर है। पीठ पीछे बहुत मुंह चलाते हो यार, कभी मिलो अकेले में तो मैं तुम्हारी हो बात दिखानी है। सैनो मैप में ज्यादा नहीं खेलता क्योंकि उसमें जहरीले सांप हैं। और फ्री फायर वालों क्या बोला, हम पबजी वालों को हरा दोगे? बेटा दो कदम पीछे, हम तुम्हारे बाप हैं। तू चाहे सिंगल ला या पूरी स्क्वाड ला, बेटा सबको फाड़ दूंगा। और गलती से भी बोलना मत फ्री फायर को बुरा, वरना जहाँ हो वहीं गाड़ दूंगा। कि बेटा मुझसे मत उलझना, रुला दूंगा मैं। कि बेटा मुझसे मत उलझना, रुला दूंगा मैं। और ये जो तू फ्री फायर करता है ना, मां कसम 10 मिनट में भुला दूंगा मैं। ओ तू मेरा मुकाबला करना है? ओ काका मम्मी को बोल कॉम्प्लेन पिलाए। बुया में क्या रखा है? बेटा बात ऐसी है कि हमसे मुकाबला तो बाद में कर लेना, पहले हमारे जितना बर्बाद होकर तो आ जाओ। जो लोग कह रहे हैं कि फ्री फायर के 500 मिलियन डाउनलोड्स हैं और पबजी के 100 मिलियन, उन्हें एक बात कहना चाहूंगा कि बेटा सस्ती चीजें हर कोई पसंद करता है, लेकिन महंगी चीजें वही यूज करता है जिसकी औकात हो। अपनी औकात से ज्यादा बोल रहे हो, जरा अपना मुंह संभालो वरना बीच में से फाड़ दूंगा। और आसमान में कुछ ज्यादा उड़ रहे हो, थोड़ा जमीन पे रह लो वरना जितना जमीन के ऊपर हो उतना अंदर गाड़ दूंगा।